हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। इसके मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कम से कम 7 to 8 लेक्चर्स मुझे देने पड़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर से आने वाले 4-5 लेक्चर तक हम कैलकुलस स्टडी करेंगे। अब कैलकुलस होता क्या है? देखो बच्चों, कैलकुलस भी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेर यू स्टडी अबाउट रेट ऑफ चेंज, यू स्टडी अबाउट फंक्शंस, यू स्टडी अबाउट लिमिट्स ऑफ फंक्शंस एंड व्हाट हैपेंस टू दिस फंक्शंस व्हेन वन क्वांटिटी चेंजेस। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलस। मैथमेटिक्स में कैलकुलस इतना डीप सब्जेक्ट है कि हायर लेवल्स में BSc MSc में पूरा एक क्वेश्चन पेपर, पूरा एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का कैलकुलस पर बेस्ड होता है। बहुत डीप है, अपने को उतना डीप नहीं जाना है। अपने को सिर्फ उतना ही कैलकुलस स्टडी करना है जितना फिजिक्स के लिए जरूरी है। दैट्स इट। रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, कैलकुलस में कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करने हैं हमको? वी विल स्टडी टॉपिक्स लाइक लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऐसे सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। हम ऊपर ऊपर से इनको टच कर देंगे चैप्टर्स को। मैं बार बार आपको याद करा दूं स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी लिए है जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी स्कैर्ड। फिजिक्स मैक्सिमम बच्चों को सिर्फ इसलिए टफ लगता है कि उनको ये बेसिक मैथमेटिक्स नहीं समझता है। मेरे ये जो वीडियोज है बेसिक मैथमेटिक्स के, जब जब आप कंफ्यूज हो जाओ इनको बार बार देखते रहो, आपका सारा का सारा फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं मैथमेटिक्स को इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं जितना फिजिक्स के लिए जरूरी है उतना ही, पहली बात। दूसरी बात, बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन मैं कभी नहीं देता हूं मैथमेटिक्स का, जितना जरूरी है उतना, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। मैं समझाऊंगा तो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, उतना ही जरूरी है आपको। आपको मैथमेटिक्स में लिमिट्स का डेफिनेशन, डेरिवेटिव्स का डेफिनेशन फिजिक्स में कोई नहीं पूछने वाला है। बस आपको इनके फॉर्मूले समझने हैं, कैसे अप्लाई करना है ये समझ में आना चाहिए। तो उतनी बेसिक बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, तो जरा सा भी अपने मन में डर नहीं रखना, सारा डर निकाल दो और बहुत पॉजिटिवली इस चैप्टर के साथ आगे बढ़ते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस गो अहेड। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिमिट्स। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये कैलकुलस जो है पूरा का पूरा कैलकुलस न्यूटन ने पूरा क्रिएट किया था। ये न्यूटन का इन्वेंशन है कैलकुलस। और साइमल्टेनियसली और एक साइंटिस्ट था लिबनिस, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, दोनों अलग अलग सिटीज में अलग अलग कंट्रीज में रहते थे और अपने अपने तरीके से दोनों ने पूरा का पूरा कैलकुलस डेवलप किया था। तो हम ये कह सकते हैं न्यूटन ने भी कैलकुलस बनाया, लेबिनिज ने भी कैलकुलस बनाया, दोनों ने इंडिविजुअली अपने अपने तरीके से बनाया। थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट है और वो हिस्ट्री क्या है जानना है तो आप देख लेना। अब आप सोचते होगे कि न्यूटन तो फिजिसिस्ट था तो उसको कैलकुलस क्यों स्टडी करना पड़ा? यही बात है बच्चों कि बिना कैलकुलस के फिजिक्स समझना मुश्किल है। और हमारे 12th स्टैंडर्ड के लेवल के लिए जितना मैथमेटिक्स जरूरी है, जितना कैलकुलस जरूरी है, बस उतना ही हम स्टडी करेंगे। मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, बायोलॉजी वाले बच्चों को जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लिमिट्स आज के लेक्चर में। कैलकुलस जैसे मैंने बताया कम से कम 3-4 लेक्चर्स 4-5 लेक्चर्स तक चलता रहेगा। आज मैं लिमिट्स शुरू करने वाला हूँ। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, पूरा कैलकुलस जिसमें हम लिमिट स्टडी करेंगे, डेरिवेटिव स्टडी करेंगे, इंटीग्रेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब स्टडी करेंगे, ये पूरे के पूरे कैलकुलस में जब भी कभी एंगल्स आते हैं तो एंगल्स आपको हमेशा रेडियंस में ही लेने हैं। याद रखो, ऑलवेज इन रेडियंस। आपके एंगल्स हमेशा ही रेडियंस में होने चाहिए, एक बात है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, बेस ऑफ अ लॉगरिथम
मस्ट बी ऑलवेज ई. व्हाट इज ई? तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था, अगर भूल गए तो वापस एक बार देख लेना उसको. ई इज कॉल्ड एज यूलर्स कॉन्स्टेंट. इट इज एन इरेशनल नंबर. इट्स वैल्यू इज 2.71828. दैट मीन्स वी ऑलवेज कंसिडर नेचुरल लोगैरिथम्स. रिमेंबर दिस ऑलवेज. वी ऑलवेज कंसिडर नेचुरल लोगैरिथम्स. नाउ वॉट इफ द एंगल इज नॉट इन रेडियंस? मैं आपको याद करवा दूं, एंगल के दो यूनिट्स होते हैं, डिग्रीज एंड रेडियंस. अगर एंगल रेडियंस में नहीं है और डिग्रीज में है तो उसको रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करने का? टू कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियंस मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180. फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्रीज है, आप इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 30 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 कर दो, आपको मिलेगा पाई अपॉन 6. तो ये हो गया रेडियंस. ऐसे आप एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो. तो कैलकुलस शुरू करने से पहले ये बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए. रिमेंबर दिस ऑलवेज. नाउ पॉज योर वीडियो फॉर अ मोमेंट एंड कॉपी दिस वॉट एवर आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. अपना वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज कर दो और फटाफट जो कुछ भी मैंने बोर्ड पर लिखा है आप कॉपी कर लो. मैं बोर्ड रब करता हूं और हम लिमिट्स के साथ आगे बढ़ेंगे. प्लीज राइट डाउन फास्ट. ओके, लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट्स. बच्चों, लिमिट्स का एप्लीकेशन पूरे के पूरे फिजिक्स में बहुत ही कम आने वाला है, बहुत कम. इसलिए आज के एक ही लेक्चर में मैं लिमिट्स का कंसेप्ट खत्म कर दूंगा. रेयरली कहीं उसका एप्लीकेशन आने वाला है, लेकिन आएगा और तब हो सकता है आप भूल गए हो वीडियो एक बार देख लेने का. लिमिट्स को शुरू करने से पहले एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज ये एक्सप्रेशन मैं बोर्ड पर लिखता हूं, आप इसको कैसे रीड करोगे? 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7. और एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, 2 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 7. और एक तीसरा एक्सप्रेशन ऐसा हो सकता है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 7. और एक एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है, 2 इज लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 7. ये चारों एक्सप्रेशंस में क्या फर्क है? बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम मैथमेटिकली ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड 7. एक्स की वैल्यूज 2 एंड 7 के बीच में आती है. अब मैं अगर आपको पूछो एक्स की वैल्यूज क्या है, तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यूज है 3, 4, 5, 6. दैट्स इट. अच्छा, यहां अगर मैं आपको पूछू एक्स का मीनिंग, एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे एक्स लाइज फ्रॉम 2 to 7. डू यू सी द डिफरेंस? हियर एक्स वॉज बिटवीन 2 and 7. हियर एक्स इज फ्रॉम 2 to 7. वेन आई से बिटवीन, सो वी डोंट कंसिडर 2, वी डोंट कंसिडर 7. बट वेन आई से फ्रॉम 2 to 7, यू विल कंसिडर 2, यू विल कंसिडर 7. एंड सो यू मे से एक्स इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7. दैट्स इट. इन दिस केस यू विल से एक्स इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6. 7 इज नॉट द वैल्यू ऑफ एक्स. इन दिस केस यू विल से एक्स इज इक्वल टू, नाउ 2 विल नॉट बी द वैल्यू ऑफ एक्स. सो यू विल से एक्स इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6. एंड ऑफकोर्स हियर 7 इज द वैल्यू ऑफ एक्स. नाउ माई क्वेश्चन इज, चलो ये पॉसिबिलिटीज को हम भूल जाते हैं. ये दो केसेस हम याद रखते हैं. इन दिस केस इफ आई आस्क यू विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स,
देन यू विल से आंसर इज 3. हियर इफ आई से विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, यू विल से आंसर इज 2. हियर विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, ऑफकोर्स अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, द वैल्यू इज 6. हियर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 7. इज दिस राइट? वेल, इट मे बी राइट, इट मे नॉट बी राइट. वन मोर क्वेश्चन लेट मी आस्क यू. इन दिस केस इफ आई आस्क यू हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर बिटवीन एक्स एंड 7, आई मीन 2 एंड 7, यू विल से 1, 2, 3, 4 वैल्यूज. सो 4 वैल्यूज बिटवीन 2 एंड 7. हियर आई विल हैव टू चेंज माई क्वेश्चन स्लाइटली. आई मे आस्क हाउ मेनी वैल्यूज लाई फ्रॉम 2 to 7, देन यू विल से 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज. 6 वैल्यूज फ्रॉम 2 to 7. नाउ माई क्वेश्चन इज, आई हैव गॉट 3 आंसर्स हियर, 3 आंसर्स हियर. आर दिस आंसर्स करेक्ट? वेल, दिस 2 आंसर्स आर ऑलवेज करेक्ट. दिस आंसर मे और मे नॉट बी करेक्ट. दिस 2 आंसर्स ऑल्सो मे और मे नॉट बी करेक्ट. दिस ऑल्सो मे और मे नॉट बी करेक्ट. वॉट डज दैट मीन? वेल, इफ आई से एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर, देन ऑल दीज आंसर्स आर करेक्ट एंड ऑल दीज आंसर्स आर ऑल्सो करेक्ट. ये सब आंसर्स करेक्ट है. ये 3, 4, 5, 6 नेचुरल नंबर्स भी है, वो इंटीजर्स भी है, तो मेरे ये सारे आंसर्स करेक्ट है और ये भी सारे आंसर्स करेक्ट है. लेकिन जैसे ही मैं ये बता दूं कि एक्स इज अ रियल नंबर, मैं ऐसे लिख सकता हूं रियल नंबर. आप लोगों ने रियल नंबर्स क्लास 10 में पढ़ा है, आपका फर्स्ट चैप्टर ही रियल नंबर्स का था, सेकंड चैप्टर. जैसे ही मैं कहता हूं एक्स बिलोंग्स टू आर, तो मेरा ये आंसर गलत हो जाता है, ये भी आंसर गलत हो जाता है, ये दोनों सही है और ये गलत हो जाता है. ऐसा क्यों? देखो बच्चों, रियल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो 3 एंड 4 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स. 4 एंड 5 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, स्क्वायर रूट ऑफ 4.3, ऐसे बहुत सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं. 5 एंड 6 के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट. सो व्हेन आई से हाउ मेनी वैल्यूज बिटवीन 2 एंड 7, योर आंसर विल बिकम इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन 2 एंड 7. हियर इफ आई आस्क हाउ मेनी वैल्यूज फ्रॉम 2 to 7, 6 इज नॉट करेक्ट. यू कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन 2 to 7. And let me tell you, we are going to study only about real numbers, all possibilities. So that means this answer will be not 4 values but infinite values. So let me correct it. You will have infinite values between 2 and 7, and here also you have infinite values from 2 to 7. Now here if I ask which is the smallest value of x, of course 2. Which is the largest value of x? Of course 7. But here when I ask you which is the smallest value of x, now you cannot say 3. You tell me now which is the smallest value of x, will you say 2? No, of course not. Ye jara sochne wali baat hai, dhyan dena bachcho. I am asking you which is the smallest value of x. X lies between 2 and 7. So 2 and 7 ke beech mein smallest value kya hai? Aap bologe 2. To zaruri nahi hai. 2 to ho nahi sakta hai kyunki x is not equal to 2. So 2 se thodi si badi value. 2.01. Pehle maine 3 likha tha, yaad aa raha hai? Lekin ab aap bolte ho ki 2.1 can be
अ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स हो सकती है ना, क्योंकि 2.1 जो है 2 से बड़ी है और 2 और 7 के बीच में आती है। तो मैंने जब 3 लिया था तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं थी, उससे भी स्मॉलर वैल्यू पॉसिबल है। अब मैंने 2.1 लिखा है तो आप बोलोगे सर 2.1 से भी छोटी वैल्यू पॉसिबल है। यस पॉसिबल है, 2.01। तो आप में से कोई स्टूडेंट बोलेगा सर 2.01 से भी छोटी वैल्यू पॉसिबल है। यस ऑफ कोर्स पॉसिबल है, 2.001। यू कैन हैव अ स्टिल स्मॉलर वैल्यू 2.0001। यानी कि आप चाहे कितनी भी छोटी वैल्यू लिख लो, आप उससे और छोटी वैल्यू ढूंढ सकते हो। यानी आप एकदम छोटी वैल्यू नहीं बता सकते हो, आप चाहे जिस वैल्यू को छोटी बोलो उससे भी स्मॉलर वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखो बच्चों यहां हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। हाउएवर स्मॉल वैल्यू यू राइट, यू आर नॉट एबल टू गेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू। यू आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर, क्लोजर एंड क्लोजर टू 2। मैंने पहले 2.1 लिखा था, याद करो। अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ नंबर लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस इज 2, दिस इज 7, और हमारा जो x है वो 2 और 7 के बीच में यहां कहीं पर आता है, बराबर है। अब अगर मैं सिर्फ इतना रीजन थोड़ा एनलार्ज कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मैं थोड़ा सा वो रीजन बड़ा बना देता हूं। तो मेरे पास 2 है, यहां पर 3 है, तो ये बीच की जो वैल्यू है वो 2.5 हो गई, बराबर है ना। यहां पर मैं 4 लाइंस बना सकता हूं, यहां पर दूसरी 4 लाइंस बना सकता हूं, तो ये जो फर्स्ट लाइन है वो 2.1 है। सो 2.1 इज स्मॉलर देन 3, बट यू कैन हैव स्टिल स्मॉलर वैल्यू देन 2.1। 2 एंड 2.1 के बीच में और छोटी छोटी वैल्यूज आ सकती है। अब ये रीजन को मैं और थोड़ा बड़ा कर दूं, इधर पे 2 है, यहां पर 2.1 है, तो आई कैन मेक 2 स्मॉलर वैल्यूज एंड दिस वैल्यू विल बी 2.01। तो 2 एंड 2.1 के बीच में और मुझे 10 छोटी छोटी वैल्यूज मिलेगी और मुझे एक वैल्यू मिल गई 2.01। तो देखो मैं 2 के और ज्यादा नजदीक आ गया, फिर 2.001 लूंगा तो और नजदीक आता हूं, 2.00000001 लेता हूं तो मैं और नजदीक आता हूं, लेकिन मैं 2 पे नहीं आ सकता हूं। सो दैट इज इट बच्चों। नाउ सी द सेंटेंस विच आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। X is getting closer and closer to 2, but X does not become equal to 2. एक इतना सारा लिखा उसकी बजाय मैं एकदम छोटी से सेंटेंस में लिख दूं तो एक ही वर्ड में ऐसा बोल सकता हूं, मैं एक्स अप्रोचेस 2। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं एक्स टेंड्स, एक्स टेंड्स टू 2। एक्स टेंड्स टू 2 ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम हमेशा ऐसा बोलते हैं। अब आपको ये याद रखना है, एंड मैथमेटिकली हम उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसा एरो कर दिया और मैंने 2 लिख दिया। अब देखो बच्चों मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 2 इज द लिमिट ऑफ एक्स। लिमिट वर्ड का मीनिंग आप सब अच्छी तरह से जानते हो, बाउंड्री, बॉर्डर। ये 2 जो है वो एक्स की बाउंड्री है, एक्स उसके उस पार नहीं जा सकता है। मैंने जब नंबर लाइन ड्रॉ की थी तो 2 को क्रॉस करके उस तरफ एक्स नहीं जा सकता है, उसके बहुत नजदीक 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 जा सकता है। आपको इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर जाना है, आप अटारी बॉर्डर पे चले जाओ, वो जो गेट है ना जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करता है, गेट के इस तरफ अपनी इंडिया की तरफ हम उसको अटारी बोलते हैं, गेट के उस तरफ
पाकिस्तान की तरफ, उसको हम वाघा बोलते हैं, वाघा बॉर्डर। तो अब जब अटारी बॉर्डर के पास जाते हो, पंजाब में जाते हो, तो आप बॉर्डर के थोड़ा नज़दीक आ गए। अब आप अटारी गांव में चले गए तो आप उसके और नज़दीक चले गए। अब आप एग्जैक्टली अटारी बॉर्डर पर चले गए, वहाँ बैठने के लिए स्टेडियम बनाया है, सारे लोग कुर्सी पर बैठते हैं, तो आप बॉर्डर के और नज़दीक आ गए। यू आर अप्रोचिंग द बॉर्डर। फाइनली आपने गेट को टच कर दिया तो आप बॉर्डर पर पहुँच गए, लेकिन आप गेट के उस पार नहीं जा सकते हो। वो जो गेट है वो लिमिट है। वैसे ही यहाँ पर टू इज द लिमिट, यू कैन नॉट क्रॉस टू एंड गो टू द अदर साइड। सो आई से टू इज द लिमिट ऑफ एक्स। एक्स जो है वो टू से बड़ा नहीं हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, टू से छोटा नहीं हो सकता है। दूसरी बात, एक्स जो है वो कभी भी टू नहीं बन सकता है। ये वाला केस हम कभी नहीं ले सकते हैं। तो हम इस सिचुएशन को टोटली आउट कर देंगे, हमको ये स्टडी ही नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही मैंने x इक्वल टू टू ले लिया तो वो लिमिट नहीं रहा। यहां पर जैसे ही मैं x टेंड्स टू टू बोलता हूं, तो इससे आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि x टेंड्स टू टू का मीनिंग ये होता है कि x टू के इतना करीब है, इतना करीब है, इतना करीब है कि वो ऑलमोस्ट इक्वल टू टू है। ऑलमोस्ट, फिर से बोलता हूं, ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली टू नहीं है। टू ले लो, 2.0001 ले लो, ये 2 के बहुत करीब है, लेकिन 2 तो नहीं है ना, 2 से थोड़ा बड़ा है। तो जब भी मैं लिमिट बोलता हूं तो एक बात याद रखने का, x टेंड्स टू 2 का मीनिंग होता है x इक्वल टू 2 नहीं है, लेकिन x 2 के बहुत करीब है। अब यहां एक बात और बता दूं मैं आपको, जब x टेंड्स टू 2 होता है तो वो 2 के इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब होता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय हम एक्स की वैल्यू डायरेक्टली टू ले सकते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि वो टू के बहुत पास है। लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा याद रखना है कि एक्स इक्वल टू टू नहीं है, वो तो बहुत नज़दीक है, इसलिए हमने टू ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मेरे पास से 1,00,000 रुपये लेने हैं। अब मैं बोलता हूँ मेरे पास 1,00,000 रुपया तो नहीं है, 99,999 रुपीज है, 1 रुपया कम पड़ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं पूरा 1,00,000 रुपया दो, हम 1 रुपया कम नहीं लेंगे। हाँ भाई ठीक है, चलता है, दे दो 99,999, बहुत करीब है, इट इज़ वेरी क्लोज टू 1 रुपी। आपकी जेब में 99,999 रुपीज़ है, कोई पूछता है आपके पास कितना रुपया, आप बोलोगे 1,00,000 रुपया है। आप थोड़ी पूरा बोल लोगे 99,999, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू 1,00,000, सो यू सिंपली से 1,00,000 रुपीज। सिमिलरली हियर एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू 2, इट इज़ नॉट इक्वल टू 2। So sometimes while solving problems, we can simply take the value of x as equal to 2. Remember that. So x tends to 2 ka meaning ekdam clear hona chahiye aapko. Yehi 2 jo hai wo x ki limit hai, lower limit hai. Theek hai. Ab wo number line pe x ko right side se approach kar raha tha, isliye kabhi kabhi mathematics mein aise likha jata hai x tends to 2 plus. Ye jo plus hai वो एडिशन को डिनोट नहीं करता है, वो सिर्फ इतना डिनोट करता है कि एक्स जो है 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। वैसे हमारे फिजिक्स में इतना सारा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, खाली बता दिया आपको मैंने, बाय चांस कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट कभी ये पढ़े तो उसको क्लियर हो जाए। आगे बढ़ेंगे, दूसरा एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं, ये साइड वाला रीजन ले लेते हैं। चलो देखते हैं, अब ये पोर्शन ले लेते हैं। जब मैं ये कहता हूं एक्स लेस देन 7, तो x की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, अगर कोई स्टूडेंट बोलता है 6, तो तुरंत मैं आर्ग्यूमेंट कर सकता हूं कि भाई 6.9 भी हो सकता है। अब देखो 6.9 जो है वो 6 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है ना, तो x की वैल्यू 6.9 हो सकती है। अब मैंने जैसे ही 6.9 लिखी तो आप आर्ग्यूमेंट करोगे सर 6.99 भी तो हो सकता है। यस, हो सकता है। अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, नंबर लाइन पर यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ पर कहीं पर 6.9 आता है। अब आप बोलते हो 6.99, तो मैं और थोड़ा नज़दीक आ गया, ये हो गया 6.99।
फिर कोई स्टूडेंट आर्ग्यू करेगा मैं 6.9999 भी तो लिख सकता हूँ। यस ऑफ कोर्स लिख सकते हो, आप एकदम क्लोज 7 के बहुत नजदीक आ गए। इक्वल टू 7 हुए क्या? नो, एक्स इक्वल टू 7 नहीं हुआ, एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू 7। सो आई कैन से एक्स अप्रोचेस 7 मैथमेटिकली, एक्स टेंड्स टू 7 सिंबॉलिकली, वी राइट लाइक दिस, एक्स टेंड्स टू 7 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, नॉट फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो आई कैन राइट 7 माइनस, माइनस मीन्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, प्लस मीन्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, बट इन फिजिक्स दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, सिंपली एक्स टेंड्स टू 7, दैट्स इट। दैट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोचेस 7, और दैट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट, 7 इज द लिमिट ऑफ x। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हाउ डू वी अप्लाई दिस इन फिजिक्स? लेट अस अंडरस्टैंड दिस, वी विल टेक सम सिंपल एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन कैसे होता है, उससे पहले लिमिट्स मैथमेटिक्स में कैसे हमारे फंक्शंस को अफेक्ट करता है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स याद करो, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको फंक्शंस का मीनिंग समझाया था। फंक्शन इज डिनोटेड एज एफ ऑफ एक्स, और यू मे ऑल्सो राइट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। व्हेन आई से वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, what do you mean by that? It means y depends upon x. So that means if x changes, then y also changes. अगर x की value change होती है तो y की value भी change होती है। अब हमारे पास ये सवाल उठता है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू 3x+2। अब हमारे माइंड में एक ऐसा सवाल आ सकता है कि अगर एक्स 2 को अप्रोच करता है, एक्स टेंड्स टू 2, देन वाई टेंड्स टू विच वैल्यू? जैसे जैसे एक्स 2 के करीब 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 आएगा, वाई किसके करीब आएगा? अगर थोड़ी सी वैल्यूज लेकर हम चेक करते हैं, x जब 2 को अप्रोच करता है तो x की वैल्यू आप 2.1 लिख सकते हो, x की वैल्यू 2.01 लिख सकते हो, x की वैल्यू 2.001 भी लिख सकते हो। इन दैट केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? अगर मैं y की ये वैल्यू, x की ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 6.3+2 8.3 मिलेगा। यहां पर मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 8.03, यहां पर मिलेगा y इज इक्वल टू 8.003। देखो ये वैल्यू जो है 8.03 छोटी हो गई, ये और छोटी हो गई, यानी हम 8 के करीब करीब आ रहे हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं y टेंड्स टू 8। अब ये बताने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं इतनी सारी वैल्यूज लेकर चेक करूं। मैंने आपको इसके पहले थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब x टेंड्स टू 2 होता है तो सीधा सीधा हम x की वैल्यू 2 लेकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा 3 × 2+8, यानी कि सॉरी 3 × 2+2, दैट मींस आई विल गेट 8। देखो मैंने x की वैल्यू 2 लिख दिया, लेकिन याद रखने का x इज नॉट इक्वल टू 2, वो तो सिर्फ x 2 के बहुत करीब था इसलिए हमने 2 ले लिया। लेकिन दिमाग में, हमारे दिमाग में हमेशा ये बात याद रहनी चाहिए कि x एग्जैक्टली इक्वल टू 2 नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो बस ये सिंपल सा एप्लीकेशन है लिमिट्स का। फंक्शंस में इसका एप्लीकेशन कैसे होता है तो हम जानते हैं कि जब y x का फंक्शन होता है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ x, और हम जानते हैं कि जब y x का फंक्शन है तो x की वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू भी चेंज होती है, क्योंकि y x पर डिपेंड करता है। और हम ये जानने की इच्छा रखते हैं कि x जब किसी लिमिट को अप्रोच करता है तो y कौन से लिमिट को अप्रोच करेगा, उसके कैलकुलेशन के लिए ये हमारे काम का है। फिजिक्स में कैसे इंपॉर्टेंट होता है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ। बच्चों आपके घर में प्रेशर कुकर होता है, देखा होगा आपने, और प्रेशर कुकर में जब भी आप पानी को भर के बॉईल करो
तो आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर बढ़ने से कुकर के अंदर स्टीम क्रिएट होता है और उस स्टीम का प्रेशर बढ़ता है। अब हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि कितना टेम्परेचर होगा तो कितना प्रेशर होगा। अगर टेम्परेचर कोई पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करता है तो प्रेशर कौन सी वैल्यू को अप्रोच करेगा? यहाँ पर इस एग्जाम्पल में प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, सो आई कैन से प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। नाउ इफ आई से टी अप्रोचेस 40 डिग्रीज सेल्सियस, देन प्रेशर अप्रोचेस विच वैल्यू? जब टेम्परेचर 40 डिग्रीज पर पहुंचता है तो प्रेशर कितनी वैल्यू पर पहुंचता है? इस तरह के एप्लीकेशंस। लेकिन लिमिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये आ सकता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। फिर भी मैंने लिमिट्स इसलिए समझाया ना कि 11th या 12th में कभी थोड़ा एडवांस लेवल पर या कोई ट्रिकी क्वेश्चंस आ गया तो अचानक वहाँ लिमिट का कंसेप्ट आता है, फिर स्टूडेंट्स घबरा जाते कि सर ये कैसे आया। तो लिमिट्स मालूम नहीं होगा तो कन्फ्यूज हो सकते हो, मैंने लिमिट समझा दिया। अब कहीं भी 11th 12th में फिजिक्स पढ़ते समय कोई लिमिट्स का एप्लीकेशन, लिमिट्स के कंसेप्ट का एप्लीकेशन आ जाए और आप भूल गए हो तो बस एक बार ये वीडियो को आप फिर से देख लेना, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब लिमिट्स के थोड़े से एग्जाम्पल्स हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। मैं बोर्ड पर कुछ प्रॉब्लम्स लिखता हूँ और वो एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे। ये अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, नहीं चाहिए तो आप बार बार कभी भी वीडियो को देख सकते हो, वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा। लेट अस प्रोसीड विद सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिमिट्स। स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हैं बोर्ड पर। सबसे पहले तो इसको रीड कैसे करने का, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू वन, ऐसे इसको रीड करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू वन, यानी कि जब एक्स वन को अप्रोच करता है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसको अप्रोच करती है, वो इसका मीनिंग होता है। सॉरी चलो सॉल्व करते हैं इसको। आप दो मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके ये सेंटेंस कॉपी कर लो, कैसे रीड करना चाहिए वो आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। पॉज करके कॉपी कर लो, मैं बॉर्डर अप कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। मैंने आपको समझाया था कि जब एक्स टेंड्स टू वन होता है तो एक्स की वैल्यू वन के बहुत करीब होती है, वन नहीं होती है। अब क्योंकि वो वन के बहुत करीब आती है, अब सीधा सीधा वन सब्स्टिट्यूट कर दो और काम एकदम आसान है। लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स टू वन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही 3x प्लस 7 अपॉन 5x माइनस 4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो x की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 7 अपॉन 5 इंटू 1 माइनस 4, दैट इज 10 अपॉन 1, सो योर आंसर इज 10। मैंने x की वैल्यू 1 तो लिख दी, लेकिन आपको मैं बार बार याद करवाता हूँ, यू शुड रिमेंबर, हमने x की वैल्यू 1 लिख ली है लेकिन वो 1 होती नहीं है, रिमेंबर दैट। ऐसा मैं बार बार क्यों रिमाइंड करवा रहा हूँ, कभी कभी कोई ट्रिकी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, मैंने ऐसे कुछ और प्रॉब्लम्स रखे हैं, आगे सॉल्व करेंगे। लेट अस सी दिस एग्जांपल। एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4, वैसे आपको मैं बता दूँ पाई बाय 4 जो है वो रेडियंस में है, अगर रेडियंस में नहीं होता तो हमको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। ये सम बहुत सिंपल है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4, ठीक है, हम सीधा सीधा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें हमको मिलेगा साइन पाई बाय 4 अपॉन कॉस पाई बाय 4। आपको याद करवा दूं मैं, पाई बाय 4 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, तो साइन 45 डिग्रीज आप जानते हो उसकी वैल्यू 1 बाय रूट टू अपॉन कॉस 44 की वैल्यू, 45 की वैल्यू भी 1 बाय रूट टू होती है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है 1, सॉरी टेन एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है 10x,
और फिर सीधी सीधी x की वैल्यू पाई बाय 4 डाल दो तो 10 पाई बाय 4 यानी कि 1045 उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वीडियो को पॉज करके आप सेकेंड प्रॉब्लम को कॉपी कर लो, मैं बोर्ड रब करके थर्ड प्रॉब्लम शुरू करूँगा। थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, इट इज गिवन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, सो आई कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। नाउ वैल्यू ऑफ x वी विल पुट पाई बाय 2, सो यू विल हैव कॉस पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2, पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्रीज, रिमेंबर दिस। ये मैं मेरे यूनिट्स एंड मेजर्स वाला जो टॉपिक था उसमें भी एक बार रेडियंस वगैरह समझा चुका था, तो थोड़ा सा उसमें हिंट दिया था। इसको और डिटेल्स में मैं कैलकुलस के बाद जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि पाई बाय 2 90 कैसे होता है। थोड़ा बहुत आपने ट्रिग्नोमेट्री में मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चों मैं आगे समझा चुका हूँ शॉर्ट में, डिटेल में फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। बस इस समय याद रखो कि पाई बाय 2 90 डिग्रीज होता है। अब कॉस 90 डिग्रीज की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 डिग्रीज की वैल्यू 1 होती है, तो आपका आंसर 1 हो गया। ये पूरे प्रॉब्लम का मीनिंग ऐसा होता है कि जब x पाई बाय 2 को अप्रोच करता है यानी x पाई बाय 2 के करीब जाता है, पाई बाय 2 बनता नहीं है, x की वैल्यू इक्वल टू पाई बाय 2 नहीं हो सकती है। तो जब x पाई बाय 2 को अप्रोच करती है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो 1 को अप्रोच करता है। आपका वीडियो पॉज करके ये सारे प्रॉब्लम्स आप कॉपी कर लो, मैं और दो एक प्रॉब्लम्स बोर्ड पर सॉल्व करता हूँ। चलो देखो बच्चों, और दो प्रॉब्लम्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। ये वाला प्रॉब्लम देखो, x टेंड्स टू 3, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 3 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3, ये हो जाएगा। अब लिमिट यहाँ पर नहीं, जब सब्स्टिट्यूशन करते हो तब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये 3 स्क्वायर होता है 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3 मीन्स 0 अपॉन 0, दिस इज मीनिंगलेस। लफड़ा हो गया है ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है बच्चों, और अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है तो ये पूरा कैलकुलेशन गलत हो गया और लोचा हो गया। अब क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, ये प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे। x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर माइनस 9 कैन बी रिटर्न एज x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। अब ये जो न्यूमरेटर है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, एंड यू कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी, सो आई कैन राइट x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एस एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। नाउ एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 3 विल गेट कैंसल्ड। एक बात और याद रखना, x की वैल्यू अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे 3 माइनस 3 0 मिलेगा, नीचे भी 3 माइनस 3 0 मिलेगा। तो कोई आर्ग्यूमेंट करेगा कि सर यहाँ भी 0 अपॉन 0 होता है, आप कैसे इसको चला लेते हो। हम इसलिए नहीं चला सकते, मतलब इसलिए इसको चला लेते हैं क्योंकि हमको पता है बैक ऑफ द माइंड कि x की एग्जैक्ट वैल्यू 3 नहीं है, और क्योंकि x की वैल्यू 3 नहीं है जब मैं x माइनस 3 कैंसिल करता हूँ तो यानी मैं 0 से डिवीजन नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं 0 से डिवीजन करूँ तो ये मीनिंगलेस है। लेकिन x टेंड्स टू 3 का मीनिंग क्या होता है, मैंने बार बार समझाया है, x टेंड्स टू 3 मीन्स x इज वेरी वेरी क्लोज टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, and because x is not equal to 3, x minus 3 is not equal to 0, so this cancellation is possible, and therefore you will have, now substitute the value, 3 plus 3, you get 6. So when x tends to 3, this function tends to 6. So jab x ki limit 3 hoti hai, to ye function hai apna, ye function ki limit 6 hoti hai, ye is problem ka meaning hota hai. अब मैं वो फिफ्थ वाला प्रॉब्लम यहां सॉल्व कर दूं, लिमिट x टेंड्स टू 5
एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन अपॉन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या करेंगे। अब प्रॉब्लम देखकर आप समझ सकते हो कि डिनोमिनेटर में अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइव लिख दूँ तो मुझे फाइव माइनस फाइव जीरो मिलेगा और डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो प्रॉब्लम मीनिंगलेस हो जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन है इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, ये अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स प्लस टेन दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस फाइव माइनस टू इंटू एक्स माइनस फाइव दैट मीन्स एक्स माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू। ये आपको ओरली करने को आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आता है तो आपको समझाने के लिए मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं, इतना सारा करने की जरूरत नहीं होती है। नाउ यू कैन राइट लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस फाइव। नाउ यू कैन कैंसल एक्स माइनस फाइव, सो यू हैव लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव एक्स माइनस टू, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स सो यू हैव फाइव माइनस टू, योर आंसर इज थ्री। सो इट मीन्स वेन एक्स अप्रोचेस फाइव दिस फंक्शन अप्रोचेस थ्री, दैट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट्स। इतना काफ़ी है लिमिट्स में। नेक्स्ट लेक्चर से हम डेरिवेटिव्स यानी कि डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। डेरिवेटिव्स को समझने के लिए थोड़ा सा लिमिट्स का नॉलेज हो तो अच्छी बात है, न हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी डेरिवेटिव्स को समझ सकते हो। सो माई नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, डेरिवेटिव्स समझेगा तो आप इंटीग्रेशन समझ सकते हो, और इंटीग्रेशन अगर आप समझ जाओगे तो बाकी के सारे फिजिक्स के चैप्टर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, प्लीज़ कॉपी दिस।